गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से लास्ट टर्न पे हम लोग सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी प्रकार से आज भी कुछ नीट के हिसाब से जरूरी क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है कि दो सेल हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, सामने दिखाए गए हैं, 3 वोल्ट 1 ओम, 15 वोल्ट 2 ओम और ये आर। क्वेश्चन ये है कि अगर पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो, ये सवाल में दिया हुआ है, अगर पहले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो तो इस आर की वैल्यू क्या होगी। तो टर्मिनल पोटेंशियल ज़ीरो, टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, EMF माइनस आई आर वन, यानी कि हमको करंट निकालना पड़ेगा। अगर हम करंट फाइंड नहीं करेंगे और क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आगे क्वेश्चन फंस जाएगा, आगे सॉल्यूशन फंस जाएगा, ठीक है ना। तो पहले करंट कैलकुलेट कर लो, दोनों सेल सीरीज में हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए करंट इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस नेट आर इंटरनल, ठीक है ना। तो ये ज़ाई वन प्लस ज़ाई टू का मतलब हो गया 3 प्लस 15, और आर एक्सटर्नल हमें पता नहीं है, और आर इंटरनल 1 प्लस 2 यानी कि 3 होगा। ये करंट की वैल्यू यानी कि 18 अपॉन आर प्लस 3, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ रख दें, टर्मिनल पोटेंशियल 0 बताया जा रहा है, EMF इसका 3 है, I की वैल्यू 18 अपॉन आर प्लस 3 है और आर 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इस तरीके से 18 अपॉन आर प्लस 3 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कैंसिल करने के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू आर प्लस 3, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है ना। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, इस प्रकार के मीडियम लेवल के क्वेश्चन नीट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया हो तो हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन, पहले क्यों नहीं आए। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सामने एक सर्किट है तुम्हारे और अमीटर की रीडिंग 5 एम्पियर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 एम्पियर, और वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो 100 वोल्ट रीड कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया हुआ है, और हमको इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में सिर्फ दो बातें दी गई हैं, नहीं, एक और बात दी गई है और वो है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 2500 ओम, और हमको इस सिचुएशन पर आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर बाहर वाली करंट 5 एम्पियर और ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो किस तरीके से किया जाए, तो हम सोचते हैं कि पहले हम लोग करंट कैलकुलेट कर लें, जैसे यहाँ पर I2 करंट और यहाँ पर I1 करंट हम कैलकुलेट कर लें। ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट ही होगा क्योंकि R और वोल्ट मीटर आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर ये 100 वोल्ट होगा तो वो भी 100 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमको I2 कैलकुलेट करना चाहिए। I2 इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R, तो डेल्टा V 100 है और R 2500 है, इसका मतलब है ये 1/25 एम्पियर आया, ठीक है। अब किरचॉफ के रूल्स की हेल्प से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I की वैल्यू 5 है और I1 हमको पता नहीं है, और I2 की वैल्यू 1/25 है, ठीक है ना। इसके बाद I आ जाते हैं, इस प्रकार से I1 की वैल्यू 5 माइनस 1/25 यानी कि 1/24/25 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर होगा। इसको बेकार में 4.99 वगैरह लिखने के बजाय इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये लगभग 5 के बराबर होगा।
और अब ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर हम लिख सकते हैं ऑन आर डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो डेल्टा वी की वैल्यू 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है और आई की वैल्यू लगभग 5 और आर की वैल्यू इस प्रकार से 20 ओम कैलकुलेट होकर आ गई। तो ये क्वेश्चन भी एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो मीडियम लेवल के होते हैं या हल्का सा अपर मीडियम लेवल के होते हैं, ये तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। इन बातों को ध्यान रखें। इसको देखिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक कॉपर वायर है, एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस वायर माना जाएगा। एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस आर है और इसको अब 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया और फिर दो दो टुकड़े सीरीज में लगा के कॉम्बिनेशन बनाया गया। कॉम्बिनेशन किस तरीके का है जरा ध्यान से देखो। ये कॉपर वायर था, इसका रेजिस्टेंस आर था, बिल्कुल ठीक है, माना कि लंबाई एल थी। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया गया। ब्रेक करने के बाद सारे टुकड़ों में से दो दो टुकड़े एक साथ सीरीज में लगाए गए, जैसे ये पहले दो टुकड़े और उसके बाद ये दूसरे दो टुकड़े सीरीज में अरेंज किए गए, उसके बाद ये दो टुकड़े इस प्रकार से पांच सेट तैयार हुए, दो दो को लेके पांच सेट तैयार हुए और इन सभी को आपस में पैरेलल में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो इस सिस्टम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मेरे हिसाब से ये बेहद आसान क्वेश्चन माना जाएगा। जब 10 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो एक टुकड़ा आर बाई टेन आर, हर एक टुकड़ा आर बाई टेन आर बाई टेन आर बाई टेन का होगा। इस प्रकार से ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 2R/10 यानी कि R/5, इस कॉम्बिनेशन का भी R/5, इन दोनों का भी R/5 और R/5 होगा। इस तरीके से नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R/5/5 यानी कि R/25 होगा, ठीक है ना। R/5 पांच बार हैं पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस होगा वो R/5/5 यानी कि R/25 होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंसेस मीटर ब्रिज के अक्रॉस लगाए गए, दोनों अननोन रेजिस्टेंसेस हैं और उसके बाद बैलेंस लेंथ का मतलब ये है कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया और जॉकी को ऐसी जगह टच कराया गया कि जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो, यानी कि इसमें कोई करंट ना हो, और उस समय बैलेंस लेंथ 20 सेंटीमीटर पाई गई। अगर ये 20 होगा तो ये 80 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब इस डेटा से ये क्लियर हो रहा है कि R1 R2 में से R1 छोटा और R2 की वैल्यू ज़्यादा है। इसके बाद कहा गया कि अब छोटे वाले के साथ यानी कि R1 के साथ सीरीज में 15 ओम का रेजिस्टेंस और लगाया गया, जबकि R2 को ऐसे ही रहने दिया गया और अब फिर से एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया और अब नई बैलेंस लेंथ 40 सेंटीमीटर हो गई। पहले जो 20 थी अब वो बढ़कर 40 सेंटीमीटर हो गई। ये 40 तो ये 60 सेंटीमीटर होगा। ये बैलेंस लेंथ है, नई बैलेंस लेंथ। तो हमें छोटा वाला रेजिस्टेंस यानी कि R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो मीटर ब्रिज जब बैलेंस सिचुएशन में होता है तो लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन लेफ्ट लेंथ इज इक्वल टू राइट रेजिस्टेंस अपॉन राइट लेंथ होता है। इस तरीके से हम ये जान पाए कि R2 इज इक्वल टू 4R1 होगा। और अब हमें अगली इक्वेशन यहाँ से बना लेनी चाहिए। यहाँ भी वही काम करना होगा, लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन लेफ्ट लेंथ इज इक्वल टू राइट रेजिस्टेंस अपॉन राइट लेंथ। सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 2 और 3 कटिंग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 3R1 प्लस 45 इज इक्वल टू 2R2
2R2 और R2 की वैल्यू है 4R1, यानी कि ये हो गया 8R1, क्योंकि क्योंकि R2 इज इक्वल टू 4R1 हम पहले ही ये पता लगा चुके हैं। इस प्रकार से 3R1 जब उधर गया तो ये बन गया 5R1 इज इक्वल टू 45, इसलिए R1 इज इक्वल टू 9 ओम। R1 9 ओम होगा तो R2 ऑटोमेटिकली बाय 4R1 के फंडे से R2 ऑटोमेटिकली 36 ओम होगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सी सही माना जाएगा। स्मॉलर रेजिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करना था, हालांकि हमने यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया है, इसको समझ लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बैटरी 10 वोल्ट की, साथ में 100 ओम और 50 ओम के दो रेजिस्टेंसेस, और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट बताई जा रही है। ये देखिए, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमें इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, RV यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हमको फाइंड करना है। चलिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, अगर इस पर करंट भी मालूम पड़ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस तो मालूम ही हो गया है, दिया ही हुआ है, अगर करंट भी मालूम पड़ जाए तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये 10 वोल्ट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस जब 5 वोल्ट है तो ये बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट होगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये देखिए, इसलिए पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट में अगर इसको 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 10 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले तो हम मेन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन करंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस रेजिस्टेंस पर काम करेंगे, तो 50 ओम वाले पर डेल्टा वी इज इक्वल टू IR, तो डेल्टा वी 5 है और I कैलकुलेट कर सकते हैं, और R की वैल्यू दी हुई है 50, यानी कि करंट की वैल्यू 1/10 एम्पियर, मेन करंट की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर करंट I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मालूम है। तो ऑन 100 ओम डेल्टा V इज इक्वल टू I1 R1 कह दो, जो भी कह दो, तो डेल्टा V 5 है और करंट I1 हमें कैलकुलेट करनी है, और R1 की वैल्यू 100 है, इसलिए इस प्रकार से I1 की वैल्यू 5/100 यानी कि 1/20 एम्पियर कैलकुलेट होकर आ गई। अब जब मेन करंट 1/10 एम्पियर है और वो बट रही है I1 और I2 दो भागों में बट रही है, तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 + I2, I की वैल्यू 1/10, I1 की वैल्यू 1/20, और I2 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस प्रकार से I2 इज इक्वल टू 1/10 -1/20, तो ये LCM आया 20, ये 2 - 1 यानी कि 1/20 एम्पियर, ओके। तो अब हम वोल्ट मीटर की बात स्टार्ट करें। ऑन वोल्ट मीटर पर डेल्टा वी इज इक्वल टू IR ऑफ वोल्ट मीटर, डेल्टा वी की वैल्यू 5 सवाल में दी हुई है, और I1 की वैल्यू I2 करंट है इसके ऊपर, तो I2 की वैल्यू जो कि 1/20, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। इस प्रकार से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम कैलकुलेट होकर आया। तो सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवाइज करिए अपने आप, फिर हम अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए। A wire of potentiometer है, resistance 4 ohm, potentiometer wire का जो resistance है वो 4 ohm दिया हुआ, ये देखिए, और length 1 meter दी हुई है, और इसको 2 volt की battery से जोड़ा गया, ये main circuit का data दिया हुआ है, उसका internal resistance 1 ohm था। अब कह रहे हैं कि एक और cell है जिसको secondary circuit में लगाएंगे, तो इसके
इसको बैलेंस करने के लिए कितनी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, मतलब बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ पर ये बैलेंस होगा। चलिए, तो ये समझने की बात है कि ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी नेटवर्क होता है। ये देखिए, प्राइमरी नेटवर्क में ये सब चीज़ें लगी होती हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस R मान लो, इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 ओम दिया हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है। अब किया क्या गया कि इसके साथ यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट में एक और सेल लगाया गया जिसका EMF 1.2 ओम था, इंटरनल रेजिस्टेंस R रहा होगा, और जब इसको हमने नो डिफ्लेक्शन सिचुएशन में लाने की कोशिश की तो हमको ये बैलेंस लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, बैलेंस लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि हमको एक फार्मूला पता है कि सेकेंडरी सर्किट का EMF के सेल का EMF इज इक्वल टू के इंटू एल होता है। तो अगर हमको किसी प्रकार से के मालूम हो जाए तो हमको बैलेंस लेंथ एल भी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमको के निकालना पड़ेगा, के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हमको करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्राइमरी सर्किट की करंट प्राइमरी सर्किट में ही घूमती रहती है, कभी सेकेंडरी में नहीं उतरती है। ये पोटेंशियोमीटर के मुख्य प्रॉपर्टीज में से एक है। तो सबसे पहले करंट कैलकुलेट करना है तो EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, तो EMF है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट की बैटरी और इसके साथ इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 2 अपॉन 4 प्लस 1 यानी कि 2/5 एम्पियर। ठीक है ना, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू होता है पूरा पोटेंशियल डिफरेंस VAB बाई फुल लेंथ L। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का बेसिक फार्मूला है। A से लेके B तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। IR बाई L, I की वैल्यू 2/5, वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम और वायर की लेंथ 1 मीटर, तो ये हो गया 8/5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब ईएमएफ इज इक्वल टू के इंटू एल, ईएमएफ की वैल्यू 1.2, के की वैल्यू 8/5, सही है, जरा एक बार देख लो, राइट नॉट अपॉन इतना 2/4 + 1 2/5 एम्पियर, वीएबी बाय एल, एल की वैल्यू कितना है भैया, एल की वैल्यू कहाँ दी है, लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, फुल लेंथ 1 मीटर है, तो आई आर बाई एल, आई की वैल्यू कितनी आई है 2/5 और आर की वैल्यू 4/L, ये हो गया 8/5, तो ये हुआ 8/5L, इसलिए L इज इक्वल टू 6/8, 6/8 यानी कि 3/4 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो 3/4 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो गया 25 × 3 यानी कि 75 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये पोटेंशियोमीटर के सिंपल क्वेश्चंस में से माना जाएगा। पोटेंशियोमीटर में जब भी तुम पोटेंशियोमीटर पढ़ो तो सबसे पहले उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़रूर पढ़ना, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के लगभग सभी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी अगर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड ना किया होता तो हम ये फार्मूला अप्लाई ना कर पाते और हमारा ये क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता। तो तुम अपनी बुकलेट से या अपने नोट्स से सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट की सारी प्रॉपर्टीज़ और उसको निकालने के सारे तरीके सीख लेना, और सीखने के बाद जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन बेहद आसान लगेंगे। ठीक है, आप ये अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन में एक नेटवर्क दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है। ठीक है ना, और इस नेटवर्क में यहाँ पर जो करंट है वो है 3 एम्पियर। ये देखिए लिखा हुआ है 3 एम्पियर ये करंट है, और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये 3 एम्पियर करंट है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमें हर जगह पर करंट पता करनी चाहिए। ठीक है,
तो ये 3 एम्पियर की करंट है और यहाँ से देखो ये 1 एम्पियर की करंट नीचे आ रही है, तो ये 3 और ये 1 मिलकर यहाँ पर जो करंट जाएगी वो 4 एम्पियर होगी, और ये 4 और ये 2 एम्पियर अंदर आ रही, तो 4 और 2 मिलकर यहाँ पर 6 एम्पियर की करंट कैलकुलेट होकर आएगी। अब जब हमें पूरे लाइन की करंट पता है तो अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ए से लेके बी तक ब्रांच रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए से शुरुआत करिए, वी ए और करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आई आर लिखना पड़ेगा, और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, हाँ बैटरी को पार करिए तो ये हो गया -3, और आगे बढ़ो, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आई आर लिखना पड़ेगा, आई आर, आई बदल गया, पहले आई वन था मान लो, यहाँ पर आई वन था और यहाँ पर बदल कर ये आई टू हो गया। अब बैटरी को पार करो तो ये +2 वोल्ट, क्योंकि हम माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी कि पोटेंशियल का गेन हो रहा है इसलिए +2 वोल्ट, और अब और आगे चलो माइनस का आई इंटू आर, माइनस का आई इंटू आर, तो आई की वैल्यू जो भी होगी लिख देंगे अभी, आई थ्री और रेजिस्टेंस हो गया आर थ्री, सब कुछ पार कर लिया तो इज इक्वल टू वी बी पर अपने इस रूल को ख़त्म कर दो। ध्यान से देखना जरा, ए से शुरुआत कर रहे हैं, वी ए माइनस आई वन आर वन -3 वोल्ट -I2R2 +2 वोल्ट -I3R3 इज इक्वल टू वी बी, ये ब्रांच रूल को लगाने का तरीका है। अगर हम कभी पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक ब्रांच रूल लगाना चाहेंगे तो हम अपने ब्रांच रूल को पी के पोटेंशियल से शुरू करेंगे और फिर प्लस माइनस यानी कि ड्रॉप, अगर पोटेंशियल गेन हो रहा है तो प्लस, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस, करते करते अपनी इक्वेशन को क्यू पर, वी ऑफ क्यू पर जाकर ख़त्म करेंगे। ये ब्रांच रूल लगाने का फंडा है। तो यहाँ पर वी ए -3 इंटू आर वन की वैल्यू 2 है, -3 आई टू की वैल्यू 4 है और आर टू की वैल्यू 1 है, +2 माइनस आई थ्री की वैल्यू 6 है और उसके साथ जो आर थ्री है उसकी वैल्यू भी 1 है, और इज इक्वल टू बी पर हमने अपनी इक्वेशन को ख़त्म कर दिया। सो वी ए -6 -3 -4 +2 -6 इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाले टर्म, माइनस वाले नंबर्स ज़्यादा हैं, ये 6 और ये 6, 12 और ये 4, 16 और ये 3, -19। सो वी ए -19 +2 इज इक्वल टू वी बी। सो वी ए -17 इज इक्वल टू वी बी, हेंस वी ए -VB इज इक्वल टू 17 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन था और ये ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसको तैयार करो फिर अगला क्वेश्चन, ब्रांच रूल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर तुम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ग्रिप बना के चलना चाहते हो और नीट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें किरचॉफ के तीनों रूल, खासकर ब्रांच रूल का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर तुम कुछ भूल रहे हो तो अपने नोट्स उठाकर या मेरी बुकलेट उठाकर ब्रांच रूल, उसमें बहुत ढंग से एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, उसको ज़रूर देख लेना। या कहीं और पढ़ते थे तो अपने जो भी नोट्स तुम्हारे सर ने बनवाए उनमें ब्रांच रूल का हो सकता है दिया हो, उस रूल को देख लेना, बहुत ही काम का रूल है। उसके अलावा सेलों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन, वो भी आइडेंटिकल नहीं, नॉन सिमिलर सेलों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन और नॉन सिमिलर सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर उसको ज़रूर पढ़ लेना। उसके अलावा थोड़ा गैल्वेनोमीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के, मतलब इतनी चीज़ें अगर पढ़ लोगे तो नीट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा एक बात और ज़रूरी लगती है मुझे को, किसी भी सेल की एफिशिएंसी किस प्रकार से फाइंड की जाएगी, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा। ये इसको रिवाइज करो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को भी देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो सेल्स हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है,
और हमें रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, पावर डिसिपेशन नहीं, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर थ्योरम का इस्तेमाल होगा। जरा ये देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो हम नेट ईएमएफ कैलकुलेट करें, तब आगे बात बन पाएगी। दोनों सेल मिलकर एक नया सेल बनाएंगे जिसका नेट ईएमएफ कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ज़ाई वन बाई आर वन प्लस ज़ाई टू बाई आर टू अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जब दो सेल पैरेलल में हो और नेट ईएमएफ निकालना हो तो ये फार्मूला बहुत काम का फार्मूला है, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आ जाता है जो इस कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि 2 बाई वन प्लस 2 बाई वन और 1 बाई वन प्लस 1 बाई वन, यानी कि ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 2, यानी कि ये आया 2 वोल्ट, ये नेट ईएमएफ आ गया। नेट ईएमएफ के बाद नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इंटरनल वाले दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो 1 इंटू वन अपॉन वन प्लस वन, यानी कि ये 1 बाई टू ओम आया, ठीक है ना। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है? मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है कि अगर तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये तो तुम समझ ही लो कि ये दोनों सेल जो कि पहले दो थे, अब ये सिंगल सेल बन गए हैं, दोनों मिलकर एक नया सेल बना लेंगे जिसका नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, और इसकी और इनकी वजह से बाहर वाले सिस्टम को करंट जाएगा, और करंट जब इसके ऊपर से जाएगा तो इस पर पावर का डिसिपेशन होगा, यानी कि हीट का डेवलपमेंट होगा, हीट पावर की बात हो रही है। तो अगर हमको इस पर मैक्सिमम पावर जनरेट करवानी है, मैक्सिमम हीट पैदा करवानी है, तो हमें मैक्सिमम पावर थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इस पर मैक्सिमम हीट तब प्रोड्यूस होती है जब इसकी वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, यानी कि ये वैल्यू आर की वैल्यू 1 बाई 2 ओम होनी चाहिए। तो अब हम लोग करंट कैलकुलेट कर लें और फिर पावर कैलकुलेट कर लेंगे। करंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, तो नेट EMF 2 है, R एक्सटर्नल हमें पता नहीं है, और नहीं R इंटरनल हमको पता है भाई, ऐसा नहीं है, हमें ये बात पता है, ये बात हम अभी समझ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 1 बाई टू, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 बाई टू हो गया, यानी करंट ये हो गया 2 अपॉन 2, यानी कि 1 एम्पियर। ये हो गया आर एक्सटर्नल 1 बाई टू और आर इंटरनल भी 1 बाई टू, सो 2 अपॉन 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, यानी कि 2 बाई 1। ये गलती हो रही है, देखिए आज ये 2 बाई 1 होगा, 2 बाई 1 यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है। और अब हम आर पर मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ऑन आर मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मतलब 4 और आर मतलब 1 बाई 2 ओम, यानी कि ये 2 वाट, ये आर पर डिसिपेट होने वाली मैक्सिमम पावर की वैल्यू है। इसको ध्यान से देखिए, मैक्सिमम पावर थ्योरम भी ज़रूर पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को देखो भाई, एक सेल है और जब इसको ओपन सर्किट फॉर्म में रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब इसको ओपन सर्किट रखते हैं, यानी कि टूटा हुआ परिपथ रखते हैं, तब सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो 2.2 वोल्ट होता है। अच्छा, अगर किसी सेल को हम ओपन सर्किट सिचुएशन में रखेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रेक रखेंगे, ये देखिए ओपन सर्किट है, तो इस समय इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो 2.2 वोल्ट दिया हुआ है, 2.2 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल 2.2 वोल्ट। तो क्या तुम्हें ये पता है कि जब सेल ना करंट दे रहा है ना करंट ले रहा है, क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है, तो ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
वही ईएमएफ भी होता है, यानी कि ईएमएफ भी 2.2 वोल्ट होगा। अब आगे कहा जा रहा है कि अब जब सेल को क्लोज सर्किट कर दिया गया, ये इसका ईएमएफ, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और जहां पर टूटा हुआ तार था वहां पर अब एक रेजिस्टेंस लगाकर सर्किट को चालू कर दिया गया, 5 ओम रेजिस्टेंस लगाकर सर्किट को ऑन कर दिया गया, तो अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल 1.8 वोल्ट पाया गया। अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल 1.8 वोल्ट पाया गया तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तुमको एक बात पता होगी कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर ईएमएफ ज़ाई हो और टर्मिनल पोटेंशियल वीटी हो तो स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल -1 × R। ये R निकालने का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काम का फार्मूला है। हमारी बुकलेट में जब सिंपल सर्किट चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले पेज में ही हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें कर ली हैं। सिंपल सर्किट की हमारी बुकलेट के शुरुआत के 3 पेज को ठीक से पढ़ लेने पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स बड़े आराम से निकल आती हैं जिनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप बुकलेट है तो पढ़ लीजिए, या फिर अरेंजमेंट करके उसको पढ़ लीजिए। उसमें बड़े महत्वपूर्ण ग्राफ भी बनाए गए हैं, जैसे आई और आर के बीच ग्राफ बनाया गया है, टर्मिनल पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ बनाया गया है, टर्मिनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के बीच ग्राफ बनाया गया, यानी कि आई आर ग्राफ, वी टी आर ग्राफ और वी टी और आई के बीच ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी के बाद सपोर्टिंग सेल्स और अपोजिंग सेल्स, और उसी के बाद एफिशिएंसी ऑफ अ सेल, और उन्हीं पेजेस में चार्जिंग सेल और डिस्चार्जिंग सेल के बारे में ऐसी ज़रूरी बातें हुई हैं, और वहीं पर ये बातें भी हुई हैं कि जब कोई सर्किट ओपन होता है यानी कि सेल ना करंट दे रहा होता है ना करंट ले रहा होता है, यानी कि ना सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है ना सेल चार्ज हो रहा होता है, ऐसे में उसका टर्मिनल पोटेंशियल ही उसका ईएमएफ भी होता है, या उसका ईएमएफ ही उसका टर्मिनल पोटेंशियल भी होता है। तो ये फंडा हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब जब सर्किट को पूरा कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया, तब टर्मिनल पोटेंशियल 1.8 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि ये इस समय का, ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल है। जब सेल ओपन था तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल कुछ और था और वही उसका ईएमएफ था। जब सर्किट को क्लोज कर दिया गया तो टर्मिनल पोटेंशियल 1.8 दिया हुआ है। इतनी एनालिसिस से ये पता लगता है कि इस बैटरी का ईएमएफ 2.2 है और टर्मिनल पोटेंशियल 1.8 वोल्ट है। फिर तुम कह सकते हो कि यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल 2.2 है, वहाँ पर 1.8 क्यों है, क्योंकि ये सिचुएशन अलग है और वो सिचुएशन अलग है। जब सेल ना करंट दे रहा होता है ना करंट ले रहा होता है, उस समय उसका टर्मिनल पोटेंशियल जो भी बताया जाए उसी को तुम उसका ईएमएफ मान लेना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ सेम होते हैं। लेकिन जब सेल चार्ज या डिस्चार्ज होने लगता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल कुछ और हो जाता है, जो कि 1.8 बताया गया है। तो अब आगे बढ़ें जरा जल्दी से। ये 2.2 है, ये 1.8 है, -1 कर दिया, और इंटू 5 ओम ही तो है, हाँ बिल्कुल 5 ओम है, तो ये हो गया 0.4 अपॉन 1.8 इंटू 5, यानी कि 2 अपॉन 1.8 कह सकते हैं, 20/18 भी कह सकते हैं। 20/18 का मतलब है 10/9 ओम भी कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सही ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन 10/9। ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस फार्मूले को ज़रूर ज़रूर एक बार और लिख कर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये फार्मूला हमें डायरेक्ट किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में सहायता करता है। अगर किसी सेल का ईएमएफ दिया हुआ हो और उसका टर्मिनल पोटेंशियल दिया हुआ हो और एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, ये है एक्सटर्नल लोड, हाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो अगर ये 3 चीज़ें दी हों
तो हम उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तैयार करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें दो सेल सीरीज में लगाए गए हैं। देखिए सिंगल सर्किट है और सिंगल सर्किट एक सिंगल जो लूप होता है उसमें जो कुछ भी होता है वो सब आपस में सीरीज में होता है, ये बात पता रख लेना, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको ब्रांच रूल लगाना चाहिए, और ब्रांच रूल तभी लगता है जब करंट या तो दी हो या ना दी हो, तो उसको हम लोग निकालेंगे या मानेंगे और ब्रांच रूल लगाएंगे। बिना करंट माने हम लोग ब्रांच रूल नहीं लगाएंगे। ये दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं क्योंकि प्लस के साथ प्लस जुड़ा हुआ है तो ये अपोज हो गया, माइनस की तरफ माइनस जुड़ा हुआ है, ये देखिए अपोज होने की पहचान है। तो इस समय जो नेट ईएमएफ होगा सीरीज में अपोज करने की वजह से, जो नेट ईएमएफ होगा वो जाई वन माइनस जाई टू यानी कि 5 वोल्ट होगा, ठीक है ना। और अब हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल। तो नेट ईएमएफ 5 है और आर एक्सटर्नल तुम कह सकते हो कि 40 है, 25 एंड 15 सीरीज में है तो 40 है, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 और 2.5 यानी कि 5, यानी कि 5/45 मतलब 1/9 एम्पियर। ये करंट कैलकुलेट कर ली, और अब करंट कैलकुलेट करने के बाद ब्रांच रूल अप्लाई करना चाहते हैं। ए से बी तक ब्रांच रूल अप्लाई करो, ठीक है। ए से बी तक तुम चाहो तो दाईं तरफ से जाओ, चाहो तो बाईं तरफ से जाओ। तो हमने सोचा कि चलो हम बाईं तरफ से जाते हैं, पॉइंट ए से हम बाईं तरफ जाके फिर नीचे आएंगे और फिर बी पर अपने ब्रांच रूल को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस आई माइनस आई आर, और करंट के अपोजिट चलेंगे तो प्लस आई आर लिख कर आगे बढ़ेंगे। तो चलें फिर वी ए, और यहाँ पर हम चल इधर रहे हैं और करंट दाईं तरफ है और हम चल रहे हैं बाईं तरफ, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा प्लस आई आर वन। और अब यहाँ देखो करंट बाईं तरफ और हम जा रहे हैं दाईं तरफ, यानी कि यहाँ भी होगा प्लस आई आई आर टू और इज इक्वल टू वी बी। हमने कहा भी था कि अगर ए से बी तक ब्रांच रूल लगाना चाहते हैं तो ए के पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे और फिर पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन लिखते लिखते बी पे ख़त्म करेंगे, तो इक्वल टू के बाद करके वी बी पे ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो वी ए प्लस 1/9 इंटू 25 एंड 1/9 इंटू 15 इज इक्वल टू वी बी। सो वी ए प्लस 25 और 15 यानी कि 40/9 इज इक्वल टू वी बी, इसलिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 40/9 आया, और माइनस 40/9 किसी भी ऑप्शन में ना होने की वजह से इस सवाल का आंसर नन ऑफ द एबब है। इस सवाल में आंसर में डॉट नहीं लगा था हालांकि, लेकिन ये चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं इसलिए इस सवाल का आंसर नन ऑफ द एबब होगा। सिंपल क्वेश्चन था, हमने जैसा पहले भी कहा ब्रांच रूल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसको इग्नोर मत करना, आज ही चाहे 5 मिनट निकाल के ब्रांच रूल पढ़ लेना। ये क्वेश्चन देखो ज़रा ध्यान से, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 18 ओम था। ये पूरा वायर जब था ना पूरा, तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस था वो 18 ओम था। और अब देखो क्या किया गया कि इस वायर को सर्कुलर बेंडिंग कर दी गई, और सर्कुलर बेंड करने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में दो टर्मिनल निकाल दिए गए। ये देखो ये और ये टर्मिनल निकाल दिए गए। जैसे ही ये दोनों टर्मिनल ए और बी यहाँ से बाहर निकाले गए, जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकाले गए, वैसे ही अब ये हिस्सा आर वन और ये हिस्सा आर टू पैरेलल में हो जाएंगे। जैसे ही टर्मिनल निकालोगे तो R1 का एक सिरा और R2 का एक सिरा एक जगह पे है, R1 का दूसरा और R2 का दूसरा एक जगह पे है, तो ये और ये अब पैरेलल में हो जाएंगे। जबकि पहले अगर देखा जाए
तो पहले अगर हम इसके दो हिस्से माने तो ये इस समय R1 और R2 सीरीज में होंगे। इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं कि R1 और R2 का जो सम होगा वो 18 दिया हुआ है, और अब हमको इस समय नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जबकि ये दोनों पॉइंट सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब हमको ये समझना है कि आखिरकार हम अब ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो तरीका क्या है? तरीका तो सिंपल सा है कि आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और लेंथ प्रोपोर्शनल टू एंगल होता है। सर्कुलर डायग्राम में एल और थीटा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क की लंबाई अपॉन रेडियस, मींस एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला जब भी लगाएंगे, कहिए खैर वो बात छोड़ दीजिए, यहाँ फिलहाल काम की बात करते हैं, टाइम ख़राब ना करें हम लोग अपना। तो R1 और R2 का रेशियो L1 बाई L2 या फिर θ1 बाई θ2 के रेशियो में होगा। तो R1 की तरफ जो एंगल है वो θ1 है, और ये जो दूसरा एंगल दिखाई पड़ रहा है जो R2 की तरफ है, ये देखिए ये θ2 है, और ये जो 60 दिखाई पड़ रहा है ये हमारे लिए θ1 की तरह होगा। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 60/300 यानी कि 1/5। इससे ये साबित होता है कि R2 5 टाइम्स R1 है। एक तो ये बात बड़े काम की है जो आगे काम आने वाली है। अब जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जब R1 और R2 सीरीज़ में थे तो उनका सम 18 था, तो हमने R2 को रिमूव कर दिया, R2 को हमने 5R1 से रिप्लेस कर दिया 18, तो 6R1 इज़ इक्वल टू 18, इसलिए R1 इज़ इक्वल टू 3 ओम आ गया। और अगर R1 3 ओम आ गया तो बाय द रिज़ल्ट R2 इज़ इक्वल टू 5R1, इसलिए R1 की वैल्यू 5×3 यानी कि 15 ओम आएगी। तो ये हो गया 3 ओम एंड 15 ओम। हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पैरेलल में होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल में ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 और R2 की वैल्यूज जल्दी से जल्दी पुट करके ख़त्म करो इसको, 3×15 अपॉन 3 प्लस 15 यानी कि 45/18, यानी कि अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये जाएगा 2, ठीक है ना, और बचेगा 9, तो 90 हो जाएगा 2.5 ओम। ये रिजल्ट आ गया, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में तुमसे पूछे जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखना, और बात क्या है वो बताता हूँ। देखिए, अगर कभी इस प्रकार का कोई सर्कुलर वायर हो और कह दिया जाए कि यहाँ से दो टर्मिनल निकाल दिए गए और ये लंबाई 3 सेंटीमीटर और पूरी लंबाई मान लो 12 सेंटीमीटर थी, तो ये लंबाई अपने आप 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, और अब इस समय टर्मिनल निकालने के बाद अब ये R1 और R2 पैरेलल में माने जाएंगे, और R1 और R2 का रिलेशन उनकी लंबाइयों के रिलेशन के बराबर ही होगा, यानी कि रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ये हो गया 3/9 यानी कि 1/3, मीन्स R2 इज इक्वल टू 3R1। ये हमको चीज़ इस प्रकार से मिल जाती है। अब सवाल की पहली लाइन में पहले ही कह दिया गया होता है कि जब वायर पूरा सीधा था तब इसका रेजिस्टेंस 20 ओम था। ये सवाल में कह दिया जाता है, जब ये वायर सीधा था तो इसका R1 पार्ट और R2 पार्ट एक दूसरे के साथ सीरीज में थे, जबकि जब इसको बेंड कर दिया गया तो R1 पार्ट और R2 पार्ट पैरेलल में हो गए। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से R1 और R2 का सम 20 होगा, जबकि हम अभी अभी नीचे कैलकुलेट कर चुके हैं कि
आर टू इज इक्वल टू थ्री आर वन है तो हमने आर टू को थ्री आर वन से रिप्लेस कर दिया, तो फोर आर वन इज इक्वल टू 20। इस प्रकार से आर वन की वैल्यू 5 ओम आ गई, और अगर आर वन की वैल्यू 5 ओम आ गई तो आर टू की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 × 3 यानी कि 15 ओम आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम बेहद आसानी से सॉल्व की जा सकती है। इस नए एग्जांपल में हमने जब ए और बी टर्मिनल निकाले जोड़े तो लंबाइयाँ दी थी ये 3 और ये 9, क्योंकि जो इनिशियल लंबाई होगी जो सवाल में दी होगी वो मान लो कि कहा जाएगा कि 12 सेंटीमीटर थी, तो 12 सेंटीमीटर में अगर ये 3 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 9 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से R क्योंकि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस प्रकार से R प्रोपोर्शनल टू L होने की वजह से R1 और R2 का रेशियो L1 और L2 के रेशियो में होगा, यानी कि 3:9, ये 3 है और ये 9 सेंटीमीटर है, तो 3:9 यानी कि 1/3 होगा। इस प्रकार से हम पता लगा पा रहे हैं कि R2 इज इक्वल टू 3R1 होगा। उसके बाद अब क्योंकि ये पहले ही कहा जा चुका होगा, अरे हाँ भाई डेफिनेटली कहा जा चुका होगा कि जब वायर बिल्कुल सीधा था तब उसका रेजिस्टेंस 20 था और लेंथ 12 थी, तो R1 और R2 निकालो या इस सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है ना। तो अब जब हमने R1 और R2 का रिलेशन निकाल लिया और R1 और R2 का सम जो होगा वो 20 होगा, इस प्रकार से हमने R1 भी कैलकुलेट कर लिया और R2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमसे कोई कहता है कि इस सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो पैरेललिटी होने की वजह से हम फॉर्मूला लगा देंगे R1 R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 और R2 की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं उनको यहाँ पर रख कर हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बुक में 3-3, 4-4 दिए हुए हैं, उनमें से चाहो तो जो जितने दिए हैं सारे कर लो, नहीं तो अगर 4 दिए हैं तो कम से कम 2 या 3 तो उसमें से कर लो। ये क्वेश्चन देखो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एक सर्किट बना हुआ है और क्वेश्चन में कहा गया है कि अमीटर की रीडिंग 4 एम्पियर है, यानी कि यहाँ पर करंट 4 एम्पियर है, तभी वही तो मतलब होता है अमीटर की रीडिंग 4 एम्पियर है, मतलब यहाँ पर करंट 4 एम्पियर है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 वोल्ट है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू 5 होगी या 5 से ज़्यादा या 5 से कम, या फिर कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सब बातें ऑप्शन में कही गई हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गलती होती है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 20 वोल्ट होगा, ठीक है भाई। तो क्योंकि हमें R कैलकुलेट करना है तो हमारा ध्यान इस वाली ब्रांच में चला जाता है, बिल्कुल ठीक है, जाना भी चाहिए। तो डेल्टा V इज इक्वल टू I × R ये हो गया। तो लोग क्या कर देते हैं कि 20 लिख देते हैं, I की वैल्यू 4 और R की वैल्यू R जैसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे R लगा हुआ है, और इस प्रकार से उनका आंसर 5 ओम आ जाता है, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि बगल में जो अमीटर लगा हुआ है उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस R0 वगैरह होगा कि नहीं होगा। ये तो हम मानते हैं कि अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है ये सही नहीं है। अगर अमीटर आइडियल है तो हम उसका रेजिस्टेंस 0 मानेंगे, लेकिन अगर अमीटर प्रैक्टिकल है तो हम उसका रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं मानेंगे। यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया है कि अमीटर आइडियल है, सिर्फ अमीटर लिखा हुआ है, इसलिए हम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अमीटर का भी होगा उसको लेकर चलेंगे। तो अब सही सलूशन बनाते हैं, चलिए डेल्टा V इज इक्वल टू IR और डेल्टा V 20, I की वैल्यू 4 कोई डाउट नहीं है, लेकिन R की वैल्यू R नहीं बल्कि R के साथ सीरीज में R0 दोनों को लेकर चलना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से R + R0 इज इक्वल टू 5, इसलिए R इज इक्वल टू 5 - R0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू
स्लाइटली लेस देन 5 होगी, 5 नहीं होगी बल्कि 5 से थोड़ी सी कम होगी, एग्जैक्टली 5 नहीं होगी बल्कि 5 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी। इसको देखिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन होंगे तो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और डिस्कस करें, वो डीपीपी में नहीं है लेकिन इसको अपने अलग से डायग्राम बना दिया है। हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो एक काम जरूर कर लेना, नेमिंग कर देना, मतलब जंक्शन के नाम दे देना। जैसे ये दोनों तो ए टर्मिनल से जुड़े हुए हैं तो इसका नाम ए होगा, इसका नाम भी ए होगा, कोई बात ही नहीं है। और इसका कुछ नाम दे देना, जैसे बी दे दिया, अगर ये बी नाम होगा तो इसका नाम भी बी और इसका नाम भी बी होगा। अब इसका सॉरी इसको अब तुम बी मत दो क्योंकि बी नाम ऑलरेडी वहाँ पर छपा हुआ है, तो इसलिए नाम बी देने के बजाय कुछ भी दूसरा नाम दे दो। ये बी हटा देता हूँ क्योंकि बी यहाँ ऑलरेडी एक नाम ऑलरेडी पड़ा हुआ था, इसलिए बी नाम देने के बजाय चलो इसको हम सी नाम दे देते हैं। सी नाम दे दिया तो अगर ये सी होगा तो ये भी सी और ये भी जंक्शन सी बोला जाएगा। क्यों सी बोला जाएगा? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक आइडियल वायर से जुड़े हैं और जब 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 कई पॉइंट्स आइडियल वायर से जुड़े होते हैं तो उनके बीच ना पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना पोटेंशियल गेन होता है, इसलिए इन तीनों के नाम सी दिए जाएंगे, इन सभी कोनों के नाम बी होंगे और इन सभी जंक्शंस के नाम ए होंगे। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हैं, इन दोनों का एक सिरा ए पर है और एक सिरा बी पर है, क्या ये बात हम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्या ये गलत बना हुआ है? नहीं बिल्कुल गलत नहीं, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। फिलहाल जितना बना हुआ है उतना बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है ना। आगे की बात हम अभी आगे करने जा रहे हैं। अब क्या इन तीनों के फिर वही क्या अब तुम ये बताओ कि क्या इन ती हाँ ये सी है, एक सिरा ए पर, दोनों का एक एक सिरा ए पर और दूसरा सिरा सी पर है। अब देखो क्या इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के एक एक सिरे सी पर हैं और तीनों के दूसरे सिरे बी पर हैं, यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस भी सी और बी के बीच में हैं। जिस प्रकार से ये दोनों ए और सी टर्मिनल के बीच में हैं उसी प्रकार से ये तीनों सी और बी टर्मिनल के बीच में हैं। और अब एक रह गया, कौन सा वाला? ये वाला। तो ध्यान से देखो तो इसका एक टर्मिनल ए पर है और एक टर्मिनल सी पर है, तो एक टर्मिनल ए पर और एक टर्मिनल सी पर है, ये इस सर्किट का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और अब तुम क्या करोगे? अब तुम ये करोगे कि ये दोनों पैरेलल में जो आया वो इसके साथ पैरेलल में, या तुम ये भी कह सकते हो कि ये तीनों पैरेलल में, मतलब आर बाई थ्री, इतना क्लियर हो गया, आर बाई थ्री, ठीक है ना। और वो तीनों भी पैरेलल में, मतलब आर बाई थ्री, और आर बाई थ्री और आर बाई थ्री दोनों आपस में सीरीज में, यानी कि नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट विल बी 2R/3 ओम, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से जो सीखने को मिलता है वो ये है कि जब भी तुम इस प्रकार के कई रेजिस्टेंस वाला सिस्टम देखना तो जहाँ पर जंक्शन के नाम लिखे हों वहाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जंक्शन के नाम ना लिखे हों वहाँ पर तुम कोई ना कोई नाम जैसे पी या क्यू या सी या एम या एन अगर नाम दे दोगे, हर जंक्शन को अगर तुम कोई ना कोई नाम दे दोगे तो तुमको ये दिखाई पड़ने लगेगा कि कौन कौन से रेजिस्टेंस किन किन पॉइंट्स के बीच में बने हैं। और जब तुम उसको फिर से मॉडिफाई करके लिखोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में और कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, ठीक है ना। इतना तैयार करिए और अगले सेशन में हम लोग सिंपल सर्किट की कुछ और बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म में आएंगे। मैग्नेटिज्म, EMI और AC ये हमारे आखिरी टॉपिक्स होंगे। मॉडर्न हम पहले करा चुके हैं, मैकेनिक्स पूरी करा चुके हैं, इलेक्ट्रो कराते चले ही आ रहे हैं, कैपेसिटर 4-5 टर्न लगातार 4-5 टर्न में करवाया है। इस समय हम लोग सिंपल सर्किट पर काम कर रहे हैं, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, वो भी सिंपल सर्किट का ही पार्ट है, उसको हम अलग पार्ट नहीं मानते हैं, हालांकि इसको एक अलग चैप्टर किताबों में अलग चैप्टर माना जाता है और हम भी मेरी बुकलेट में भी वो अलग चैप्टर है, लेकिन वो भी सिंपल सर्किट का एक पार्ट है। उस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं कि इस रेजिस्टेंस पर कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना हीट पावर प्रोड्यूस होगा,
उस रेजिस्टेंस पर कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना हीट पावर प्रोड्यूस होगा, और उसी चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम को भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारे आगे के टॉपिक होंगे, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक घंटे का लेक्चर करेंगे, और फिर लगभग आधे पौन घंटे उसके 10 12 15 अच्छे वाले न्यूमेरिकल जो नीट या एम्स में आ चुके हैं, या पहले, अब तो खैर एम्स की बात ही नहीं है, नीट में आ चुके थे, एम्स में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाता है, हम लोग वो चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।